नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन, जहां पर आपके स्टॉक निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज के हमारे दो एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ, सिमी भौमिक हैं चार्ट्स पर और कुछ ही देर में अविनाश गोरखशक्कर भी जुड़ेंगे फंडामेंटल्स पर। सबसे पहले सिमी, आज बाजार फिर कमजोर, निफ्टी 10,100 के भी नीचे, अब तो क्या नए लेवल्स देख रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि निफ्टी में वीकनेस तो है ही, स्पेशली निफ्टी जो 15 नवंबर का जो लो था 10,194, वो रेंज जब से निफ्टी तोड़ा है तब से फ्रेश वीकनेस का ट्रिगर आ गया है। अभी एक नया जो सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो 10,000 के आसपास है। अगर निफ्टी उस 10,000 का लेवल को होल्ड किया तो ठीक है, एक रैली देखने का उम्मीद है। पर स्पेशली आज के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिसी से पहले कोई भी स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए देना बहुत मुश्किल है। और हम लोग सब आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 2:30 बजे के बाद एक कंडीशनल बाई मैं इशू करूँगी, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आ चुका है और मेजर साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है 10,000 का उसके आसपास है, यहाँ पे एग्रेसिव होके शॉर्ट पोजीशन लेना भी रिस्की साबित हो सकता है। तो मैं आरबीआई का पॉलिसी के लिए इंतज़ार करना चाहूँगी और पॉलिसी के बाद अगर निफ्टी स्पॉट 10,150 के ऊपर जाके आधा घंटा सस्टेन करता है, मतलब 2:30 से 3:15 बजे तक सस्टेन करता है, तो शायद मैं निफ्टी को खरीद के जाने का सजेशन दूंगी और मेरा टारगेट रहेगा 10,250 से 10,280 का। तो मुझे लगता है कि निफ्टी तब भी बाई करना चाहिए अगर ये 10,150 का लेवल पॉलिसी के बाद मेंटेन करता है, नहीं तो बायस जैसे वीक है वैसे ही वीक ही रहेगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। आशीष गुप्ता बोकारो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार आशीष। नमस्कार सर, मेरे पास वेदांता है 250 शेयर जी, एट द रेट ऑफ 346। ओके सिमी, वेदांता पर क्या राय है आपकी? देखिए वेदांता के लिए मैं ये कहूँगी कि वेदांता में चार्ट में जो है वो वीकनेस तो शो कर रहा है, पर अभी करेंटली जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इससे भी काफ़ी नीचे जा सकता है, स्पेशली जो ग्लोबली जो मेटल में सेल ऑफ हो रहा है उसके बाद ये इसका जो सेंटिमेंट है वो और वीक हो चुका है। उनका अगर पोजिशन फ्यूचर्स का है तो कोई भी रैली यूज़ करना पड़ेगा निकल जाने के लिए, पर अगर कैश डिलीवरी है तो भले ही मुझे, मैं ये कहूँगी कि वेट कीजिए और थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वो करीब 65 से 55 के बीच में आता है, वो रेंज अगर होल्ड होता है तो आप वहाँ पे एक्युमुलेट करके देख लीजिएगा कैश डिलीवरी। फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि कोई भी रैली 290-295 तक का भी यूज़ करना पड़ेगा उस लॉन्ग पोजिशन से निकाल जाने के लिए। चलिए अब रांची चलते हैं जहां से सनत झा जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सनत। नमस्कार। एशियन पेंट्स के शेयर्स हैं आपके पास? हाँ जी, और एक्सिस बैंक के भी है। अच्छी खासी कमाई हुई है आपकी इसमें एशियन पेंट्स में, कब लिए थे ये शेयर? बहुत पहले लिया था। बहुत पहले लिए थे, अच्छा। चलिए सिमी, एशियन पेंट्स पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए सबसे पहले एशियन पेंट्स के बारे में बताने से मुझे लगता है कि चार्ट में तो थोड़ा बहुत वीकनेस है, पर उनको अगर बहुत ही जल्दबाजी नहीं है, अगर यहाँ पे टाइम दे सकते हैं आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास है। 1100 से 1080 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ये मानिए लास्ट एक साल का सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट के ऊपर ये बैठ गया है ये स्टॉक, और मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट बहुत ही बुरी तरह से टूट सकता है। तो आपका सपोर्ट मैंने बता दिया है 1100 से 1080, जब तक इस रेंज से ऊपर है तब तक खतरा नहीं है, आप बिल्कुल करंट लेवल पर होल्ड करने का मैं सलाह दूंगी, आपको होल्ड करके रखना चाहिए ये स्टॉक। और रहा सवाल आपका एक्सिस बैंक के लिए, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक ने 520-522 के आसपास एक पहला ब्रेकआउट आया था, उसके बाद 540 का ब्रेकआउट आया था, 540 के ऊपर तो ये टिका नहीं क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब हो गया था, अभी 520 के आसपास आ रहा है तो करंट लेवल पर एग्जिट होने का चांस तो नहीं। अगर ये शॉर्ट टर्म का भी पोजिशन है तो भी मैं वेट करने के लिए कहूँगी, 520-522 के आसपास सपोर्ट है। और मीडियम टर्म के लिए मुझे लगता है कि इसका सेंटिमेंट चेंज हो चुका है, जब तक ये 500 के ऊपर रहता है तब तक ऑन डिप स्ट्रेटेजी इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, ओवरऑल टारगेट जो है 570 का आता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, अब बिल्कुल इसमें बने रहिए।
चलिए अब एक दर्शक जुड़ रही हैं, सिमी नोएडा से। सिमी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आपने सिमी भौमिक को देखकर आज कॉल किया है, नहीं। दोनों सेम नेम और मुझे लगता है मोटिवेट हुई हैं। बताइए क्या आपके पास शेयर है, क्या जानना चाहेंगी सिमी से आप? हाँ जी मेरे पास ना बजाज हिंदुस्तान के एक 1000 शेयर है, 18.50 रुपए की है, तो ये बता सकते हैं कि कब तक ये इसका मतलब बढ़ेंगे या कुछ ऐसा? ठीक है सिमी, ये तो खास मेहमान हैं आज आपकी, हम नाम है, तो इनको बताइए बजाज हिंदुस्तान में क्या किया जाए। बजाज हिंदुस्तान के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपने जो शेयर चूज़ किया है वो मुझे पसंद नहीं है। अगर चीनी में आपको निवेश करके वेट करना है, थोड़ा बहुत टाइम देना है, तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर ये सब अच्छा है। और बजाज हिंदुस्तान में इनफैक्ट वैसे देखेंगे तो बलरामपुर चीनी भी ठीक है, पर बजाज हिंदुस्तान में हाँ थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेंड में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और उस सेंटिमेंट के लिए 16.5 से 17 तक का टारगेट मैं दे सकती हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है ये स्टॉक। आपको अगर वेट करना है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, आप 14 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के वेट कीजिए, और 16.50 से 17 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। पर यह स्टॉक मेरा पसंद में नहीं है, मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद मैं इसमें से पैसा निकाल के दूसरा जिसमें मोमेंटम है जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है वैसा चीनी का शेयर चूज करती। जी अब लुधियाना चलते हैं, विक्रांत जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विक्रांत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे ये ओबीसी के बारे में पता करना था, ये मैंने लिए हुए 220 के रेट पे 600 शेयर। ओके तो आपका तो अच्छा खासा लॉस हो गया इसमें। हाँ जी लॉस हो गया, तो फिर बैंकिंग का बोल रहे थे कि अभी बूम आया था उस टाइम मैं सेलिंग कर पाया, 150 तक इसका रेंज आया था, तो अभी मेरे लिए क्या है सर? जी बिल्कुल सिमी, इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? 220 की खरीद थी इनकी, अभी 123 पे है ये शेयर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। देखिए चार्ट काफ़ी वीक है, और आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 220 का आपका खरीद हो सकता है कि आपको 1.5 साल हो गया है ये पोजीशन होल्ड करते हुए। जब एक एक लेवल्स टूट जाता है तब बिल्कुल स्टॉप लॉस फॉलो करके, आप कितना भी बुलिश क्यों ना हो, आप फर्स्ट स्टॉप लॉस सेकंड स्टॉप लॉस ऐसा करके, साइकोलॉजिकली नहीं होता है पर करना चाहिए, नहीं तो देखिए आपने इतना साल वेट किया और आपका जो पैसा है वो हाफ हो गया करंट लेवल पर। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि करंट लेवल से भी अगर कोई खरीदने का मतलब कोशिश करता है तो भी उसमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्टॉक 120-125 के आसपास भी अच्छा लग रहा है, बहुत बताने में भी खराब लग रहा है। पर बात यह है कि आपको यहाँ से भी सिर्फ वही रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ, वही सजेशन मैं दे सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर कोई रैली आपको मिलता है 140 तक भी, तो भी वो रैली आपको यूज़ करना चाहिए एग्जिट हो जाने के लिए। फिलहाल जो चार्ट में स्थिति है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सहारा अगर मार्केट में नहीं आता है करंट लेवल से तो 110 का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो सपोर्ट भी शायद होल्ड नहीं करेगा, और अगर होल्ड करता है तो आपका लक अच्छा है। 110 का स्टॉप लॉस इस बार एटलीस्ट मेंटेन कीजिए, उससे नीचे मत देखिए स्टॉक को, और टेक्निकली यही सजेशन होता है 140 से 145 तक का कोई रैली यूज करना चाहिए एग्जिट हो जाने के लिए। चलिए सहारनपुर चलते हैं, जहां से पारस जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पारस नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपके पास MMTC के शेयर्स हैं? यस सर जी, 1000 शेयर हैं उसके। राइट, 97 रुपीज में आपने खरीदे हैं। सिमी MMTC97 में खरीदा है आपने, स्टॉप लॉस वापस से नहीं लिया है, अभी ये मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है, 70 से 65 ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, और हो सकता है कि ये सपोर्ट जोन होल्ड करेगा, अगर होल्ड करता है तो रिकवरी रैली रिलीफ रैली आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल चार्ट में वीकनेस है, आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मेजर सपोर्ट के आसपास है, इसलिए करंट लेवल पर एग्जिट होने का सलाह नहीं है, 65 तक इंतजार कीजिए, अगर होल्ड होता है तो आपका लक अच्छा होगा, आपको वापस देखने को मिलेगा थोड़ा सा रैली। आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन, बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी है, इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री की इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक बताइए क्या है एजेंडा पर, क्या डिमांड है इंडस्ट्री की
और खबरें भी आ रही है कि कॉरपोरेट टैक्स जो है खासकर बड़ी कंपनियों, और ये खबर भी आई है, पर एक चर्चा हो रही है कि कैसे उस टैक्स दरों को कम किया जाए इस बजट में, तो बताइए। बिल्कुल, देखिए जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं फिक्की सीआईए एसोसिएशन, इनके तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस वक्त मिल रहे हैं, और ये प्री बजट कंसल्टेटिव मीटिंग होती है, बजट से पहले तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है जो कि इंडस्ट्री की डिमांड्स होती हैं। खासतौर से देखिए तो इस वक्त इंडस्ट्री जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसमें कमी लाई जाएगी, और तमाम जो और भी टैक्स है, जैसे एमएटी का भी मुद्दा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मुद्दा हर बार उठता है, उसमें भी कमी लाने की बात की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो जीएसटी, एक इंडस्ट्री की ही लगातार मांग पर सरकार इस बड़े रिफॉर्म्स को लेकर आई है, लेकिन जीएसटी आने के बाद से जो दिक्कतों का सिलसिला शुरू हुआ वो कब तक जारी रहेगा और उससे कब तक इंडस्ट्री जूझेगी, उसको लेकर भी एक सरकार से एक रोडमैप मांगा जाएगा कि ये परेशानी कब तक खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने बोल्ड स्टेप लिया और तमाम मुद्दों पर जो रिलीफ देने की लगातार कोशिश चल रही है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो चाहे वो इंडस्ट्री हो। इसके अलावा अगर देखें तो एक बड़ा ही पुराना मुद्दा है लैंड एक्विजिशन बिल का। लैंड एक्विजिशन बिल मोदी सरकार बड़े ही जोर शोर से लाई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। कहीं हो सकता है कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से बात करें इंडस्ट्री सरकार से, कि लैंड एक्विजिशन बिल एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टमेंट्स और तमाम चीजें रुकी पड़ी हैं। हालांकि ये मोदी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है फिलहाल करना, लेकिन इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे मुद्दे इस बैठक में आज उठ सकते हैं। धन्यवाद आलोक, और जैसे जैसे ये बैठक और आगे चलेगी और खत्म होगी आपके पास फिर आएंगे और डिटेल्स लेने के लिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं, और प्रदीप जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इनके पास रिको ऑटो के शेयर्स हैं। प्रदीप गुड मॉर्निंग। चलिए प्रदीप से संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन सिमी इनके पास रिको ऑटो के शेयर्स हैं, 100 रुपए की इनकी खरीद है, क्या किया जाए? देखिए मुझे लगता है कि 100 रुपया का अगर खरीदे तो उनको अभी स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड दिख रहा है वो वीक है। 90 के नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो इसमें से एक बार निकल जाने का सलाह होगा, क्योंकि ये वापस आपको री एंट्री का एक मौका दे सकता है। 80 से 75 के बीच में ये स्टॉक आ सकता है। रहा सवाल यहाँ पे, मेरा व्यू अलग है, मैंने इस स्टॉक में मेरा होल्डिंग है, मैं मेरा पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, मैंने होल्ड करके रखा है, मेरा बहुत ही लोअर लेवल्स पर खरीदा हुआ था, मेरे लिए मैं ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट नहीं देख रही हूँ। पर हालांकि जो अपने दर्शक ने जो पूछा है सजेशन, उनका टाइम फ्रेम मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं यही सोच के चल रही हूँ कि उनको एकदम शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने खरीदा है, क्योंकि 100 के आसपास उन्होंने खरीदा है, तो मुझे लगता है कि 90 से नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच रहा है तो मुझे लगता है कि 80 से 75 जो रेंज मैंने बताया है उस रेंज में वापस एक्यूमुलेट करने का आपको मौका ढूंढना पड़ेगा। ये स्टॉक आगे जाके 100 से 110 का रेंज जहाँ पे ये स्टॉक हाई बनाया था वो भी क्लियर करके आगे निकल जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी ये शामिल है, मैं होल्ड कर रही हूँ, यहाँ से भी 1-2 साल होल्ड करके रखने का इच्छा है। तो बस यही डिस्क्लेमर भी था और मैंने ये भी सजेशन दे दिया कि आपको एक बार 90 से नीचे एक बार एग्जिट करना पड़ेगा अगर ये आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। चलिए अब हैदराबाद चलते हैं जहां से किशोर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। किशोर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास जो सेंट्रम कैपिटल, ओके, 1000 शेयर्स है, एवरेज 75 रुपीज है। ओके, और आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए, एडवाइस चाहिए। लॉन्ग टर्म यानी कि कितने का होराइजन है आपका टाइम का? साल दो साल का। चलिए अविनाश गोरखशंकर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अविनाश, सेंट्रम कैपिटल पे क्या आपकी राय है? विवेक, मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफी अच्छी एंट्री लेवल पे सेंट्रम कैपिटल में निवेश किया है। अगर ये कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली 125 या 130 रुपये जाने की दमखम रखता है। आई थिंक इनमें, इस कंपनी में अभी रिसेंटली हाउसिंग फाइनेंस का लाइसेंस मिला है, तो हमको लग रहा है कि FY18 के बाद सेकेंड हाफ में यहाँ से ट्रैक्शन डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली अच्छा आएगा। और दूसरी बात, इन्होंने क्लियरली NBFC स्पेस में भी काफ़ी बड़ी एंट्री की है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में भी ये प्रेजेंट है। हमको लग रहा है कि इनको अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए, इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है।
ये अब चलते हैं रायपुर, जहां से रवि जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रवि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कौन से शेयर है, क्या जानना चाहेंगे? कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिया था जी, 343 के रेट पे लिया था, उसका क्या प्रोस्पेक्ट आगे उसके बारे में जानना चाह रहे थे। ओके, आपका टाइम फ्रेम कितना है रवि? टाइम फ्रेम सर 3-4 मंथ्स का है। 3-4 मंथ्स, चलिए। सिमी, इस पर राय आपकी? एक सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट में तो स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है कि हालांकि ये न्यू लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डेटा मेरे पास नहीं है, पर ये मैं कह सकती हूँ कि जो ट्रेंड आ रहा है उसमें मैं मेजर सपोर्ट देख रही हूँ, 398 से 385 के बीच में सपोर्ट है। तो जब तक ये स्टॉक उस सपोर्ट को होल्ड करता है, तब तक मैं आपको होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 440 का हाई क्रॉस करके आगे निकल सकता है, चार्ट स्ट्रांग है, आप होल्ड कीजिए। एक और सवाल आया है गौरव का, गुरुग्राम से, ईडलवाइस के, इनके पास 3,200 शेयर्स हैं, 295 रुपीस पे खरीदे हैं। अविनाश, ईडलवाइस कैसा लग रहा है आपको? विवेक, मुझे लग रहा है कि विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस एडलवेस ने काफ़ी अच्छा रोबोस्ट बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश किया है। इनफैक्ट इनका मॉडल काफ़ी डीरिस्क है, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस अभी इनको कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का है, तो यहाँ से भी मैं समझता हूँ अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। एनीवे बिटवीन 330-340 ये नियर टर्म पॉसिबल लग रहा है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें, आगे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। चलिए सिमी, अविनाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। स्टॉक्स हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। आज हमारे साथ जुड़ेंगे गजेंद्र कोठारी।